नमस्कार, देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन शो देशहित, यानी वो खबरें जिनमें आपका हित इस देश का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। खबरें आपको हर कोई दिखाएगा, लेकिन उसमें कैसे देश का हित मतलब आपका हित छुपा है वो सिर्फ आप देखेंगे देशहित में। और देशहित में सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। दिल्ली के हिंसा पीड़ितों पर केंद्र का मरहम, एनएसए अजीत डोवल ने कमान संभाली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर और घोंडा जाकर लोगों से मिले। अजीत डोवल ने हालात नियंत्रण में बताया, लोगों से कहा जो हुआ सो हुआ, अब बेखौफ रहें, पुलिस हर जगह तैनात है और काम कर रही है। दिल्ली के हालात पर गृहमंत्री अमित शाह की सीधी नजर, 3 इलाकों से लौटकर एनएसए डोवल ने रिपोर्ट दी। शाह की गृह सचिव और आईबी के साथ बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की दिल्ली वालों से शांति की अपील, पीएम ने कहा दिल्ली के हालात पर नजर रखे हुए हैं, पुलिस और सुरक्षा बल हालात काबू करने में लगे। दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24, जीटीबी में 22 और एलएनजेपी अस्पताल में 2 के शव, आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की भी हत्या। दिल्ली हिंसा में अब तक 18 FIR दर्ज, 106 लोगों की गिरफ्तारी, सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की पहचान का काम जारी। दिल्ली में हिंसा करने वालों पर अब ड्रोन से निगरानी, छतों पर पत्थर जमा करने वालों पर होगी कार्रवाई, जनता के लिए जारी किए 3 हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली हिंसा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया बाहरी लोगों का हाथ, कहा दिल्ली पुलिस के लोग अमन पसंद है, केंद्र से दिल्ली में सेना तैनात करने की भी मांग। दिल्ली हिंसा के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च, लेकिन पुलिस ने जनपद पर रोका, सड़क पर बैठे कांग्रेस के। दिल्ली हिंसा को लेकर सोनिया गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा, केजरीवाल को भी ठहराया जिम्मेदार, पुलिस पर भी उठाए सवाल। कांग्रेस की सियासत और अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर सरकार का जवाब, सूचना प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने बताया केंद्र को दोषी ठहराना गंदी राजनीति। दिल्ली हिंसा पर हाईकोर्ट के कड़े तेवर, कहा दिल्ली में दोबारा नहीं होने देंगे 1984, लोगों को भरोसा होना चाहिए कि वो सुरक्षित हैं। अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा पर भड़काऊ भाषण देने का दर्ज होगा केस, दिल्ली हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को आदेश। हिंसा की वजह से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीबीएसई की 12वीं की कल की अंग्रेजी की परीक्षा भी टली, बोर्ड परीक्षाओं के लिए 80 सेंटर हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। दिल्ली हिंसा में शहीद हुए हेड कांस्टेबल को राजस्थान के सीकर में अंतिम विदाई दी गई, राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। शहीद हेड कांस्टेबल रतन लाल के परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए देगी, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। शाहीन बाग के धरने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, कोर्ट ने कहा अभी माहौल लायक नहीं, सड़क बंदी करके धरना प्रदर्शन करने को फिर से गलत बताया। दिल्ली हिंसा पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उगला जहर, भारत में 20 करोड़ मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। बालाकोट में आतंकी कैंपों पर वायुसेना की एयर स्ट्राइक का 1 साल पूरा, श्रीनगर एयरबेस से वायुसेना प्रमुख ने MiG-21 से उड़ान भरी। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर शिकंजा, रामपुर की अदालत ने 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा, पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जेल।